हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। आज के एमएस वर्ल्ड के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे होम टैब। होम टैब में बेसिकली क्या होता है, एक पूरी रिबन खुल के आती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो होम टैब में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर क्लिप बोर्ड है। क्लिप बोर्ड में क्या होता है, अगर मैं कोई भी टेक्स्ट यहाँ टाइप करूँ, जैसे जब मैं अपना नाम ही टाइप करता हूँ, माई नेम इज राजेश कुमार, एक सेंटेंस मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मैं इस सेंटेंस को चाह रहा हूँ जे इसको कॉपी करके मैं यहाँ पर नीचे लिखूँ, तो यहाँ पर नीचे कर्सर ले जाने के लिए क्या प्रेस करोगे, अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करोगे और यहाँ पर फिर से मैं इस चीज को टाइप करूंगा, माई नेम इज राजेश कुमार। ये क्या हुआ जी, हमको टाइप करना पड़ा। मैं फिर से एक बार और इसको नीचे ले जाता हूँ, इंटर बटन दाब के, और यहाँ पर भी मैं इसको टाइप करना चाहता हूँ। बार बार मुझे इस चीज को क्या करना पड़ रहा है, टाइप करना पड़ा। मैं इसको तो ये भी कर सकता हूँ जी, इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ। तो कॉपी करने के लिए अभी यहाँ आप देखोगे क्लिप बोर्ड में कॉपी और कट, ये दोनों ऑप्शन क्या है, इनएक्टिव है। एक्टिव कब होगा, जब इस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर कहीं भी आप कर्सर रखोगे, जैसे शुरू में मैं कर्सर रखा, अपने लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और माउस को राइट की तरफ ड्रैग करोगे, इस तरह से आपका सेलेक्ट हो जाएगा। या लास्ट में रखोगे, शुरू की तरफ इस तरह से ड्रैग करोगे, आपका ये सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होते ही या कोई पार्टिकुलर वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, तो उस वर्ड से पहले आप अपने कर्सर को रखोगे, क्लिक दबा के रखना है और देन लेफ्ट साइड या राइट साइड आपने टेक्स्ट के ड्रैग करोगे, तो उस टेक्स्ट क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टेड पार्ट क्या होता है, हाईलाइट रहता है, बेसिकली इस तरह से ये हाईलाइट रहता है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं और यहाँ से कट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर इंटर दबा, और पेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर पेस्ट होता है, यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। या आपको पास शॉर्टकट की होता है पेस्ट का, कंट्रोल पी, क्या होता है, कंट्रोल भी, क्या होता है, कंट्रोल भी, किसका होता है, हमारा पेस्ट का होता है, कंट्रोल भी किसका होता है, हमारा पेस्ट का होता है। अगर कॉपी करना है तो क्या होता है हमारे पास शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस सी, क्या होता है, कॉपी। अगर पेस्ट की कट की बात करूं तो कंट्रोल प्लस एक्स, क्या होता है, कट का। अब ये तो हमने कॉपी और पेस्ट हमने दिखा दिया, अब कट क्या होता है, जैसे जी इस पूरे सेंटेंस को मैं यहां से कट कर लूं, कट कर लूं बेसिकली, अगर यहां पर कट पर क्लिक करूं या कंट्रोल एक्स, यहां आपको दिख रहा है शॉर्टकट की कट, और इसके बारे में रिमूव द सेलेक्शन एंड पुट द क्लिप बोर्ड ऑन योर पेस्ट समवेयर एल्स, बेसिकली अगर मैं यहाँ से कट करूँ तो क्या हुआ, कट हो गया, मतलब वहां से हट गया, और जहां भी मैं इसको पेस्ट करूँ तो क्या होगा, कंट्रोल भी दाबूंगा या पेस्ट पर क्लिक करूंगा, क्या होगा, मेरा पेस्ट होते चला जाएगा। तो कट और कॉपी मंत्र क्या है, कॉपी में क्या होता है, टेक्स्ट ज्यों का त्यों रहता है, अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ कंट्रोल सी और यहाँ पेस्ट करूँ तो ये टेक्स्ट ज्यों का त्यों है और एक नया उसकी कॉपी बन जाती है, क्लोन बन जाता है। अगर कट करूँ तो यहाँ से, अगर मैं कट करूँ यहाँ से, अगर इस पर कट पर क्लिक करूँ तो क्या होता है, वहाँ से वो फाइल हट जाती है और दूसरे जगह क्या होता है, अगर पेस्ट करूँ तो क्रिएट हो जाता है। तो ये हमारा होता है कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं यहाँ पर, यहाँ पर हमारे पास फॉन्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं चाहूँ तो इसके फॉन्ट के डिज़ाइन को यहाँ से बदल सकता हूँ। ठीक है, उसी तरह से मैं जो भी डिज़ाइन यहाँ से फॉन्ट को लगाऊंगा तो क्या होगा, हमारा चेंज होता चला जाएगा। यहाँ से मैं कोई भी डिज़ाइन का फॉन्ट यहाँ लगा सकता हूँ। अगर चाहूँ इस फॉन्ट का साइज बढ़ाना तो यहाँ से मैं इसके साइज को भी बढ़ा सकता हूँ, ये देखो। या आप इस ए प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो साइज आपका बड़ा होगा, और ये वाला पर क्लिक कीजिएगा तो छोटा होगा, और देन ये क्या है, हमारा टेक्स्ट पर, जैसे सबको लोअर करना है तो यहाँ से मैं लोअर टेक्स्ट कर सकता हूँ, जैसे अगर सबको, अगर यहाँ से बेसिकली चेंज केस होता है, जैसे ये सारा टेक्स्ट कितना लिखा है, छोटे अक्षर में लिखा है, अगर मुझे बड़े अक्षर में करना है तो यहाँ से अपर करूंगा तो ये सारा क्या होगा, बड़े लेटर में हो जाएंगे। अगर उसी तरह से मैं यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर वर्ड का पहला वर्ड कैपिटल कर दूँ, तो यहाँ से हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड हो जाएगा।
अगर जितने भी इस पर मैं अप्लाई किया हूँ सबको अगर यहाँ से मैं क्लियर करूँ तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग मतलब जैसा था वैसा हमारा हो गया, ठीक है साइज में। अब यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसको मैं चाहूँ तो यहाँ से बी पर क्लिक करूँगा तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी। अगर आई पर क्लिक करूँ कंट्रोल आई, इसका शॉर्टकट की होता है क्या होता है, थोड़ा सा इटैलिक हो जाएगा। अगर मैं अंडरलाइन पर क्लिक करूँ तो इसके अंदर क्या होगा, नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, इसका शॉर्टकट की क्या होता है कंट्रोल यू। अब इसमें भी हम अब क्या कर सकते हैं, डबल लाइन भी कर सकते हैं, यहाँ एरो पर छोटे वाले एरो पर क्लिक करके डॉटेड भी कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ इस अंडरलाइन का कलर चेंज करने का तो ओनली अंडरलाइन का मैं कलर भी यहाँ से अंडरलाइन कलर से जाके चेंज कर सकता हूँ। इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, जैसे कोई टेक्स्ट लिख दिया उसको काट दिया इस तरह से, बस क्या हुआ कटा हुआ दिखाएगा, वैसे कि हमने लिख दिया गलत है उसको मैं काट दिया। इसके बाद ये सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे कि अगर आपको लिखना है केमिस्ट्री का फॉर्मूला H2O, H2O तो हमारा इस तरह का होता नहीं है, H2O को लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, टू नीचे चाहिए, तो इस टू को सेलेक्ट करके अगर मैं यहाँ सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करूँ तो इसको H2O हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एच स्क्वायर लिखना है तो इस वाले फॉर्मेट में होता है एच स्क्वायर ओ हो जाएगा बेसिकली। इसके अलावा हम इसमें और भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से साइज में बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ से चाहूँ तो इसके और भी यहाँ पर हमको फॉर्मेटिंग मिलेगा, इसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग टाइप के फॉर्मेट दे सकता हूँ, इसका चाहूँ तो इसको मैं अलग अलग फॉर्मेट दे दिया। अब इसके बाद ये हमारा क्या होता है, जैसे टेक्स्ट मैं सेलेक्ट किया हूँ और इसको हाईलाइट करना है हाईलाइटर की तरह, जैसे जब बुक पढ़ने वक्त हाईलाइट करते हो ना अपने टेक्स्ट को, उस तरह से इसको हाईलाइट कर सकते हो। अगर किसी टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट का। तो ये हमारा क्या होता है फॉन्ट टाइप होता है। अभी मैं जितना भी यहाँ से कॉपी पेस्ट किया हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, तो क्लिप बोर्ड क्या होता है, हमारा क्लिप बोर्ड के अंदर तो बात करें तो अगर यहाँ एरो पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ आप देखोगे क्लिप बोर्ड में हमारा ये शेव है, नेम राजेश कुमार। अगर मैं यहाँ से और भी यहाँ से खाली नेम को कॉपी करता हूँ तो देखो क्लिप बोर्ड में हमारा ऐड होते चला जाता है, अगर इसको मैं कॉपी करूँ तो देखो ये भी ऐड होते चला जाएगा। तो क्लिप बोर्ड में हम कितने आइटम को यहाँ रख सकते हैं 24, अगर इसमें से किसी भी चीज़ को अगर पेस्ट करना है आप उस पर डबल क्लिक करो क्या होगा आपका इस तरह से पेस्ट होते चला जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है बेसिक चीज़ें होती है, जैसे कट कॉपी पेस्ट, हम फॉन्ट के डिजाइन को कैसे चेंज करेंगे, फॉन्ट को हम बोल्ड कैसे करेंगे, इटैलिक कैसे करेंगे, तो ये सारे चीज़ हमारा क्या हुआ इसके अंदर हमारा कवर अप हो गया।